गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। अरे यार थोड़े स्मार्ट बन के जाओ ना, इतने स्मार्ट। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग के लिए एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा मैं जो मैंने टी शर्ट मंगाई है, और रिव्यू के साथ एक खास चीज़ और है। मैंने जिस वेबसाइट से ये टी शर्ट मंगाई है उस वेबसाइट के इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। उस कंपनी का नाम है स्नेच। बॉक्स आप देख सकते हो, मैंने पहली बार एक टी शर्ट को एक बॉक्स में रिसीव करा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। आइए अब मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के लिए सिंपली एक कैंची लेते हैं हम लोग, और उस कैंची से इसको ऐसे ऐसे खोल लेते हैं। ये बॉक्स हमारा बाहर, ये देखिए। आइए अब देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज टेम्पर्ड। तो देखिए यहाँ से हमारा बॉक्स ये सील्ड है, ये देख सकते हैं आप लोग। स्नेच पे मैंने ये ऑर्डर करी थी। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग स्नेच से कुछ मंगा रहे हो तो ये साइट फ्रॉड नहीं है। आप लोग MRP देख सकते हो, MRP है इसकी 700 rupees। ये देखिए पीछे से इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए अब इसको पॉलीथीन से निकाल लेते हैं और इसका फैब्रिक देखते हैं कैसा है। ये देखिए आप लोग, शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। जो ग्रीन कलर है इसका वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्लिम फिट है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए स्नेच का लोगो जो काफ़ी कूल लगता है मेरे को। ये एक थैंक यू लेटर कह सकते हैं आप लोग, लव योर सेल्फ, नाइस। ये देखिए कंपनी की ब्रांडिंग, जो इसका फैब्रिक है वो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। यस, फैब्रिक काफ़ी अच्छा कॉटन लग रहा है मेरे को तो। आइए अब इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओहो, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। मेरे को तो पहन के एकदम गोवा वाला फील आ रहा है। दोस्त यार ये बोलेंगे क्या भाई कौशिक गोवा में आए हो क्या? नहीं भाई, मैं तो अपने शहर में, लेकिन गोवा का पूरा फील ले रहा हूँ। मुझको वाकई बहुत अच्छी लग रही है, लुक काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। कितना पतला लग रहा हूँ मैं बोलता था बहुत मोटा हो गया हूँ, कितना पतला लग रहा हूँ। कसम से बता रहा हूँ, जब रोड पर निकलूंगा ना लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी, लिख के दे रहा हूँ मैं। मस्त एकदम लुक आ रहा है। आप लोग कैसी लग रही है ये शर्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन लग रहा है मेरे को। ये जो इसमें प्रिंट हो रखा है ये पत्तियों वाला, मुझे लग रहा है कि ये प्रिंट फेड नहीं होगा, ऐसा मुझको फील आ रहा है। बाकी तो धुलाई के बाद ही पता लगता है। स्नेच की तरफ से जो ये शर्ट मैंने मंगाई है ये वाकई में बहुत अच्छी है, मुझको बहुत अच्छी लगी। इसका फैब्रिक काफ़ी लाइट है, मैंने कुछ पहना ऊपर मेरे को फील भी नहीं आ रहा। अंदर की सैंडो का वेट पता लग रहा है मेरे को, इसका वेट पता नहीं चल रहा है, कुछ पहना भी है मैंने। जो इसके बटन्स हैं आपको पास आके दिखाता हूँ मैं। इसके बटन्स में भी जो है स्नेच की ब्रांडिंग हो रखी है, और इसके बटन्स में कैमरे में शायद पता ना लगे एक अलग सा टेक्सचर है। वो टेक्सचर क्या है पता है आपको? जब हम लोगों के बटन पे लाइट पड़ रही है तो वो हल्का सा अल्ट्रा वायलेट कलर दे रहा है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये स्नेच का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया, स्नेच की वेबसाइट से अगर आप लोग कुछ सामान परचेज करते हो तो क्या वो सामान अच्छा होगा? यस, वर्थ इट है। प्राइस उनके थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट वो लोग दे रहे हैं वो वाकई में रीजनेबल है। इस टी शर्ट को परचेज करने का बेस्ट बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस लिंक को क्लिक करके इस टी शर्ट को परचेज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं जल्दी ही। हास्ता ला वीस्ता।